हाय फ्रेंड्स, मनीमेकर 2307 में आपका भरे दिल से स्वागत है। जैसे कि देख सकते हो कि ऑयल रिकॉर्ड किया है इसका हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2023 में, और डिक्लेयर किया है फाइनल डिविडेंड को जो 5.5 रुपये का है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड विटनेस किया है गुड ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में। 6,810 करोड़ का सीधा सीधा यहाँ नेट प्रॉफिट देखने को मिला है, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड सिंस PSU इंसेप्शन। ईयर ऑन ईयर बेसिस में नेट प्रॉफिट फॉर लास्ट फिजिकल ईयर में अच्छा खासा हुआ है, और उसी के साथ साथ रेवेन्यू ऑपरेशंस जंप किया है 60.16%। ऑयल रेवेन्यू देख सकते हो कि अच्छा खासा आपका शो किया है सस्टेनेबल ग्रोथ जो 60% के आसपास है, और PBS ईयर में जो हुआ करता था उससे बहुत ही बढ़िया हुआ है रिजल्ट, और रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिला है। ONGC ऑयल इंडिया एल टॉक्स 50% स्टैक USD 3.4 बिलियन इन केनिया ऑयल फील्ड से और चाइनीज़ फॉर्म से एंटर कर दिया है। ऑयल बोर्ड डिक्लेयर किया है 5.5 रुपये का डिविडेंड का, और टोटल डिविडेंड जो है आपका देख सकते हो कि टोटल डिविडेंड 20 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से है, और टोटल डिविडेंड 20 रुपीज़ पर शेयर। तो ये है आपका फाइनल डिविडेंड है 5.5 रुपये का, और फेस वैल्यू आपका 10 के हिसाब से दे रहा है। तो एज ऑफ Q4 कंपनी इक्वली रिपोर्टेड इंपोर्टेड फाइनेंशियल एंड फिजिकल परफॉर्मेंस के है, और ग्रोथ देख सकते हो कि 26% का हुआ है जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस प्रोडक्शन में 6.95% का और 6.27% का रेस्पेक्टिवली Q4 में ईयरली बेसिस पे हुआ है। और यही है दोस्तों ऑयल इंडिया का आपका सबसे बढ़िया आपका रिप्लेसमेंट, 5.5 रुपये का आपको डिविडेंड मिलेगा पर इक्विटी से।